भाई साहब मैच हार गए, मैच हार गए। बाबर साहब अब बोल रहे हैं बड़ी ऊंची ऊंची, कोई बात नहीं, हार्ड लक होगी। तरले में तो करने गया यार, जरा और डाल दो थोड़ी सी और डाल, चुंगा मुंगा। नहीं नहीं अभी 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 अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल फिट फाट। तो आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा ही अपने ड्राइंग रूम से, और आज व्लॉग कहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ ये देख सकते हैं, ये सीधा मैच स्टार्ट हुआ है। मैं कहा चले यार आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और मैच भी देखेंगे साथ साथ, और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। पता है कोई कोई मैच नहीं देखता, बट काफ़ी लोग हैं, मोस्ट पीपल देख रहे हैं। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम भी जरा इन्जॉय कर लेंगे, मस्ती वगैरह कर लेंगे और मैच भी देख लेंगे। तो मैच देखते हैं, तो इसी से वेलकम करते हैं आपका न्यू ब्लॉग में, और वेलकम करते हैं आपका अमीर ब्लॉग में। लेट्स स्टार्ट दी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स हमारे साथ मैच आज ज्वाइन किसने किया, ना चाचू है ना कोई और है, वन एंड ओनली दीपेंडा। मैं क्या बोला तूने भाई साहब, पेंडे है। मैंने पेंडे को मैंने कहा यार इतने दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो रही थी, और काफी देर से ब्लॉग में भी नहीं आ रहा था। मैं चलो यार पेंडे को बुलाते हैं, तो पेंडा भाई साहब आया है। तो मैच स्टार्ट हो गया, काफी बैटिंग होगी पाकिस्तान की ज्यादा मुझे लगता है, और अब हो रही है मेरे ख्याल से। किसके साथ मैच है पेंडे? साउथ अफ्रीका के साथ। तो साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, तो मारा हमने काफी दिखाया इन्होंने, 25 ओवरों में खाया है, 156 खाया है 25 ओवरों में, और 4 आउट किए हैं। तो कोई बात नहीं, हमारी बैटिंग होगी अभी, मुझे पता नहीं है कितना चेस करना है, तो टारगेट दे दिया हमने, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इस बार, तो उम्मीद अच्छी की है। बाकी ये बल्ला वारिसा क्या होगा क्या नहीं, तो पेंडे साहब आपको क्या लगता है क्या होगा? जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतेंगे भाई साहब, पेंडे भी फुल जोश में आएगा, जीतेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर ना जीते तो मुझे कुछ खिला दे, अगर जीत गए तो मैं तो कुछ खिला दूंगा, ये ब्लॉग बन रहा है। चलो ठीक है भाई, चीज या ये अगर पाकिस्तान जीता तो ये खिलाएगा, अगर हारा तो मैं खिलाऊंगा। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। चलो डन हो गया, तो आज तो कमिटमेंट होएगी, क्योंकि इतने दिनों से हार हो रहे थे, मैं ब्लॉग बना रहा था, कोई उस पर बैट वगैरह नहीं लगी, तो आज तो भाई बैट लग गई पेंडे के साथ। तो भाई साहब ऐसे ही पेंडे ठीक है, डन हो गया भाई साहब, पेंडे ने भी कह दी डन हो गया। तो अभी तो फिलहाल तो मैं पेपर को फोन करता हूँ यार, जीतना है मैच नहीं ऐसे ही है। तो अभी देखते हैं, अभी तो पांचवा खिलाड़ी खड़ा है, पांचवा छवा, तो देखते हैं कौन अभी गिरेगा। तो भाई साहब मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है क्या कि चाचा बॉलिंग कर रहा है, कसम से मुझे नहीं था पता कि चाचा बॉलिंग करता है। तुझे पता था पेंडे के इफ्तिखार बॉलिंग करता है ना घर? मैंने अभी देखा ऐसे बोल जा रहा, मैं कहा वो चाचा बॉलिंग कहाँ जा रहा है, तो रुके जरा देखते हैं। काफ़ी ऐसे बातें वगैरह होती, तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया मैच का, आया है तो अपने उधर लेके बैठ गया, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब स्कोर हो गया है वन स्कोर ही, ओह सॉरी इस पे तो बॉल ही नहीं है, सॉरी 193 स्कोर हो गया, और 4 आउट हैं, और 30 ओवर हो गए, मतलब कि 31 ओवर हो गए, और 193 रन हो गए। तो पेंडे साहब कौन जीतेगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह अभी टारगेट अभी भी नजर आया, मुझे लग रहा है चांस पाकिस्तान के जीतने के, और पेंडे को जिस पर नहीं है, और पेंडा पता क्या बहाने मारा यार, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है। बहुत तेज हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 8:30, तो मैंने कहा यार सर 2 मिनट रुक जा, कहता नहीं यार मैंने घर जाना है। पेंडे जी रुक गया 2 मिनट यार, घर जाना यार तुम्हें पता है, क्या पता तुझे, चल चिप्स खिला दे फिर, चिप्स खिला दे यार, खिला दे पेंडे ऐसे नहीं कर, सारे देख रहे हैं तुझे, खिला दे चिप्स, सबको थोड़ी खिलानी है, तो मुझे तो खिलाना, बता खिला रहा है कि नहीं, कल आज लेट हो रहा हूँ भाई, नहीं नहीं अभी खिला, मैं बेटा ब्लॉग बन रहा है, बता अभी खिलानी है, नहीं नहीं अभी 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 तो होगा, फिर बता नहीं खिला रहा है बेटे, गलत बात है, क्या गलत बात है, खिला रहा है कि नहीं चलो भाई पेंडा मार गया, तो इसको जरा बंद करते हैं, पुत्र ना ना खिलाई फिर देखिए, अब बंद करते हैं, चलते हैं चिप्स खाने।
चलते तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ से आए हो? क्या पढ़ी है? क्या कमीज भाई? अब आज हमारा दोस्त है वह। किसने खिलाई? अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हो? किधर चले गए थे? कराची। कोयटा नहीं गए? तो चलो अब खाते हैं चिप्स। चिप्स खाने के बाद घर जाके तरले में तो करने गया यार, जरा होटल थोड़ी सी होटल चूंगा मूंगा तरले में करने गया यार। ये तो हर बंदा बिजी है फोन पे। मिल गया चूंगा मूंगा, समझ रहे हो? चलो यार, चलो बेटा अब चलते हैं घर। घर जाके भाई दूसरा सेक्शन आ गया स्टार्ट। पिंडे बड़ा मजा आ रहा है। हमारे साथ रहोगे तो मोचे ही करोगे। कौन ला रहा है बोला? मैं पैसे निकालने की बारी। निकालो। पिंडो अमीर हुआ पूरा। पचास रुपया मिल गया भाई, पैसे दे रहा पिंडा। शुक्र है आज बेटे ने भी खिलाई के ऐसे ही। शुक्र है किसी ने देखा भी नहीं है कि बैठक का दरवाजा खुला है कि बंद है। क्योंकि कोई देख लेता वो कहता बाइक का दरवाजा खुला है और अंदर से कुंडी लगाई। यहाँ से मैंने कुंडी लगाई थी फ्रेंड्स वगैरह बैठे थे। फिर जो मेरी क्लास हो गई थी बड़ा डरता है कि क्लास ना हो जाए। और भाई साहब एक मिनट तो एकदम टीवी ऑन हो गया इसलिए मैंने बंद कर दी क्लिप क्योंकि कॉपीराइट का इशू आना था। मिस्टर अंग्रेज साहब घोड़े साहब बड़ा ऊँची ऊँची बोल रहे थे। मैं कह सर इसको म्यूट करें टीवी को, फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो अभी चाहिए माशाल्लाह 36 करोड़ चाहिए। 78 बोलो। ओए पाकिस्तान कर क्या रहा है भाई साहब? कर क्या रहा है 36 बोलो। 36 स्कोर चाहिए 78 बॉल्स पे। यल्ला कोई मौजा दिखा दे। इंशाल्लाह जीत जाएंगे, इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। बस अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर भाई साहब हार गए तो थोड़ी सी चिप्स भाई आपके भाई ने भी खिला दी है। अगर पाकिस्तान जीत गया तो पेंटे ने तो खिला दी है और आपके भाई ने भी खिला दी है। अब हम दोनों ने खिला दी है एक दूसरे को। अब देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून, मज़ा आने वाला आगे। हो सकता है आगे मज़ा आए उस साउथ अफ्रीका को, हो सकता है मज़ा आए पाकिस्तान को। तो भाई साहब बहुत ही बुरे तरीके से मुझे लगता है हार जाएंगे। और वो ये तो विकेट हो गई है। विकेट होगी किसकी? विकेट लिया उन्होंने, कैच किया मुझे लग रहा है। कैच बड़ा हैवी कैच किया उन्होंने, बहुत ही लगता है कि हैवी प्लेयर उन्होंने आउट कर दिया। कैच भी हैवी और आउट भी हैवी हो गया। अच्छा आपने देखा था आज का मैच? देखा? क्या लग रहा कौन जीतेगा? रिस्की है भाई साहब, अभी तो रिस्की है। रिस्क क्या? आधी बोले और उससे आधा, मतलब कि जितनी बोले उससे आधा स्कोर चाहिए। और अभी तो भाई कैच हो गया, आउट हो गया, थोड़ा बहुत हौसला हुआ है। अल्लाह करे आप से विकेट गिरने शुरू हो जाए साउथ अफ्रीका की। इंशाल्लाह मैच जीत जाएँ। तो ये बच्चे पार्टी भी सारी इकट्ठी हुई इधर ही, देख सकते हैं सारी सर्दी आई हुई और इन्जॉय कर रहे हैं। अपना पंखा लगा ऊपर, पर सर्दियाँ भी 2-3 दिन की आई थी, फिर गर्मी आ गई है। तो देखते हैं अब क्या होता है। ज़रा बाइट से सामान लाना है, घरों ने क्या सामान लिया उसको घर सामान ला के फिर आप। ये देख सकते की है, ये तो देखो सही। ओए शर्म, ओए ओए बच्चे से नीला। हमारे अली भाई मिले हमें, हम जा रहे थे बाइट सामान लेने। अली भाई तेरा सप्लाई पे आया ऐसी है। ये तो देख तो सही। ए बॉय कैसा है? इधर एक कैसा? ठीक है। और सुना कैसे जा रही पढ़ाई? ठीक ठाक। हाँ तो चलते हैं सामान लेने, जाते हैं मिल गए तो चलते हैं सामान लेने के बाद मिलते हैं। तो अभी ये सब कुछ सामान चाचने में हुआ था। तो अली भाई फिर मिल गए, आप कहाँ जा रहे हो? दूर देने के घर वापिस जा रहे हो? नहीं अभी दूर देना फिर। अच्छा चलो फिर मिलते हैं फिर दोबारा इंशाल्लाह। ओके तो चलते हैं अंदर। मैच थोड़ा बहुत रह गया,
भाई साहब एक और आउट हो गया जी, शहीन शाह ने दो विकेट लगता ले लिया है। बब्बर शेर एक और आउट हो गया, एक और आउट हो गया भाई साहब। कैसा लगा चाचू, अब है कोई चांस? हो गया है कोई चांस जीतने का? अब भाई चांस है जीतने का, लग रहा है कि इंशाल्लाह मैच अपना ही लग रहा है। कोई बात नहीं, भी 50-50 है, पर हौसला हो रहा है थोड़ा बहुत कि भाई हो सकता है कि हम जीते। सब मैच की सूरत हाल ये है कि मैच फंसा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह से दो विकेट गिरा चुके हैं, बट अभी भी मैच फंसा हुआ है मैच, क्योंकि मेरे ख्याल से चाहिए 41 बॉल्स पे चाहिए 17 स्कोर। भाई साहब मैं कहता हूँ शहनशाह ने क्या ओवर किया, ये वाला लव हो गया, क्योंकि पहले ओवर की, ये वाले ओवर की पहली बॉल पे उसने विकेट ली है, बाकी पे उसने बिल्कुल ही बैट्समैन को यहाँ पर रखा है, उसको आगे नहीं जाने दिया। क्या यार लेवल बॉलिंग की है, बहुत ही मज़ा है इसकी बॉलिंग का, बहुत ही इसने टफ बॉलिंग की है। तो भाई साहब बात हो रही थी जंग की, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इतना हैवी पाकिस्तान लड़ रहा है ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ रहा है। क्या मैच चाहिए, हमने किया 270 और हो गया 260, तो 11 स्कोर चाहिए 30 बॉलों पे, तो टाइट कर दिया ना फील्डिंग भी और बॉलिंग भी, तो इंशाल्लाह अच्छी वाइब आ रही है मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से राउत साहब आ गए हैं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है, मतलब कि फेवरेट बॉलर्स होते हैं ना, उनमें से एक मेरा फेवरेट बॉलर राउत भी है। ये देखें उसने पहली बॉल करा के उसने देखे कैसे बिल्कुल उसके मुँह पर बॉल मारी, ये देखें एकदम उसको रोक लिया, ये उसने वहाँ से हिलने नहीं दिया, बॉल किधर ही है और हिला भी नहीं वो। क्या बात है राउत, और यार मैंने क्या कहा था आपका राउत वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है, उसने इतना अच्छा प्लेयर, उन्होंने इतना अच्छा प्लेयर आउट कर दिया है उन्होंने साउथ अफ्रीका का, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया बड़ा लेवल का, उसने बॉल करा के उसने ही कैच पकड़ा और रीप्ले भी देखते हैं चलाएंगे रीप्ले। यार क्या लेवल है यार राउत तेरा, कसम से लव ही हो गया तेरे से। मैंने प्लेयर देखिए ये बॉलिंग कराई इसने, बैट्समैन ने शॉट मारी, ये बॉल उछल 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 के सीधा रऊफ के हाथ में, और रऊफ ये ओ यार लेवल है तेरा, केबल कैमरे में सही नहीं आ रही, वैसे केबल बड़ी लेवल की आ रही है, मैं अगर तुम लव हो गया तेरे। तो भाई साहब रऊफ ने मेरे ख्याल से कोड आउट कर दिया है, तो एम्पायर को उन्होंने कहा, एम्पायर कहता भाई नहीं, तो उन्होंने कहा भाई हम रिव्यू लेंगे, तो रिव्यू लेने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप रिव्यू लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आउट होगा। आ रहा रिव्यू आ गया और ये मेरे ख्याल से आउट हो गया भाई साहब, उन्होंने रिव्यू लिया तो रिव्यू फेल हो गया, नॉट आउट था। स्कोर है 7 स्कोर और बॉल्स है 23। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो स्टे ट्यून नतीजे का वेट कर। अब मजे की बात तो ये भी है कि मैंने एक चीज देखी नहीं, क्या विकेट 9 है, मतलब कि ये लास्ट विकेट है, अल्लाह तारा आउट कर दे कोई। 265 स्कोर हो गया है, 6 स्कोर चाहिए और एक आउट रह गया है। भाई साहब मैच हार गए बाबर साहब, अब बोल रहे हैं बड़ी ऊंची ऊंची, कोई बात नहीं, हार्ड लक हो गई है, बट कोई बात नहीं, टीम हमारी ने एंड तक लड़े हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह तो मिलेंगे आपसे, ऊपर जाके चलते हैं, ऊपर जाके मिलते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड ऊपर आ गया था, मैंने कहा चलें यार आज के ब्लॉग एंड करें, बहुत अफसोस हुआ कि पाकिस्तान मैच हारा, बट कोई बात नहीं, मेहनत उन्होंने बहुत की थी जीतने की, बट उनकी हार्ड लक नहीं उनसे जीता गया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टाइम जीत लेंगे। और मैं कह रहा था कि यार जितनी दफ़ा हम मैच हार चुके हैं चांस कम ही लग रहे हैं वर्ल्ड कप में, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और अच्छा रहेगा। तो अगर मैच कह रहा हूँ कि आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आपको पता है 10K व्यूज़ कम्प्लीट हुए हैं, अभी हमने 100K सब्सक्राइबर कर लिए, और सॉरी 100K तो होंगे इंशाल्लाह, 1K सब्सक्राइबर करने, उसके बाद 10K फिर 100K इंशाल्लाह, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, बाय बाय टाटा।